subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. केसिन जी में आप लोग की स्वागत है। मैं आपका भाई हीरा खान। अब हमारे पास ये दूसरी गाड़ी सेलेरियो जेन स्टीलो मॉडल कौन सा सर गाड़ी का? 2009 के अंदर मेंशन कर रहे हैं HR और गैस्ट्रेक 80 सेम ही है। आपको बता दें, हर वीडियो में बताएं। और अब हम आपको दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से ऑफिस हमारा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर, आप देख सकते हैं। और प्रॉपर्टी से काम होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी ये भी गाड़ी लग चुकी है ऑलरेडी, अभी दूसरी गाड़ी है। अब हम आपको इसकी वीडियो पूरी बताएं। थैंक यू। गाड़ी जेन स्टीलो के अंदर देखो, अभी उसमें क्या है, ओलिंग क्यूब 2009 मॉडल गाड़ी है, तो थोड़ा सा डिफेक्ट तो पड़ेगा ही। तो एटलीस्ट इसके अंदर हम सीएनजी इंस्टॉल करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम लगा रहे हैं HR किट, और कैसे क्या लगेगा इसके अंदर वो आपको हम बताएँगे प्रॉपर तरीके से, और क्या कहते हैं कैसे काम होगा, कैसे नहीं होगा, और अब उसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल देंगे। ये गाड़ी है पूरी जेन स्टीलो, शॉप हमारे ऊपर के सी जी के नाम से। ये पूरा अभी हमने खाली कर दिया, इससे पी ये रहा। अब हम इसके अंदर सी एन जी इंस्टॉल करेंगे, उसका हम डिटेल से कर सकेंगे। वेलकम टू के सी जी स्वागत है। और हम लगा रहे हैं HR यूरोपियन बेस्ट क्वालिटी किट है, प्रॉपर तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं। अब काम करते हैं। सर पकड़ना है कौन? अब हम इसके अंदर दिखा रहे हैं डब्बा कैसे कैसे पार्ट्स लगेंगे, कैसे इसके अंदर क्वालिफिकेशन आएगा, इसका लेआउट है प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। इसके सारे डाटा है, उसकी कंप्लाइंस पेट मिलेगी आपको। इसका इश्यू बॉक्स है, इसका कपलर से इसमें कोई दिक्कत नहीं बात नहीं। और इसके मैप सेंसर टेम्परेचर सारे ये डबल स्टेट का रेडियो सर, कोई दिक्कत नहीं। सर इस वीडियो में नहीं आएगी सर कुछ। और इसका मीटर है प्रॉपर्टी के सर, इसका फिलिंग बार है, इसके निप्पल्स, इसका स्टिकर, ये इसके पाइप से 6 mm की पाइप है, आई गेट सब रुपये हाई राइज से, और ये इसके बैटरी पट्टी। गाड़ी के अंदर किट लगा चुके हैं, पूरा न्यू ब्रांड सिलेंडर है, और इसके अंदर भी भाई साहब ने पूरा सामान डाल दिया था वो, और अच्छा वीडियो बन के आता है। इसके बाहर आता प्रॉपर्टी से काम हो चुका है, और अब हमने ड्राइव ले लिया है, डाटा केबल्स है। और सबसे पहली बात है, 2009 मॉडल के अंदर एक अलग ही एक्सपेरिमेंट है, और हमने दूसरी गाड़ी के अंदर 2009 मॉडल और क्या कहते हैं नॉर्मल बेसिक इंजन के अंदर सिक्वेंसर किट लगाया, कैसे लगाया, कैसे ही गाड़ी परफॉर्म कर रही है, कैसा प्रॉब्लम आएगी, क्रेट क्या करेगी, ऐसी पहली बात तो मैं बता दूँ, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं गाड़ी के अंदर। और गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम क्यों आएगी, जब तक आपकी फिटिंग सही नहीं होगी तो प्रॉब्लम की तो दिक्कत आएगी। आपकी फिटिंग एकदम एक्यूरेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी गाड़ी के अंदर। आपको मैं वैसे ही थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखाऊँ गाड़ी के बारे में, कौन कौन सी गाड़ी के पार्ट्स किधर मेंशन है, कौन कौन से पार्ट्स किस तरह लगे हुए हैं, कौन कौन से पार्ट्स कैसे लगे, मतलब आपको ये पैसे नॉर्मल किट की तरह जैसे किधर भी डाउन दो ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलग ही फिनिशिंग है, अलग ही लुक आई है। आप देखते बेसिकली कर ये इंजेक्टर है, इंजेक्टर मैनिफोल्ड के बेसिस में लगते हैं, बेसिस के थ्रू जाके पिस्टन में गैस जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। ये है मैप सेंसर, मैप कितनी गैस की फ्लोरिंग को आगे फ्लो करता है। ये है आपका रिड्यूसर, डबल स्टेट का रिड्यूसर है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका कितनी क्लियरिटी के साथ एकदम फिनिशिंग से काम हुआ है, कोई लूज नहीं, कोई वायर लूज नहीं, हर पाइप क्लिप के साथ है। और ये मीटर्स है, मीटर गेज है, प्रॉपर हिसाब से काम हुआ है, कोई भी पाइप के अंदर कोई लूज प्रॉब्लम नहीं है। और ECU बॉक्स हीरा नीचे लगा हुआ है, और आपका फिलिंग बाल तो बनता है बाबा, दिखाने को अपने को क्या है, दिखाना है बिल्कुल। ये फिलिंग बाल है, फिलिंग बाल का बेसिकली काम होता है गैस की फ्लोरिंग को देने का, गैस पीछे सिलेंडर में जाएगी। ये एक गाड़ी जेन स्टीलो आप देख सकते हैं,
और इस गाड़ी के अंदर किट लगाया किसने, हमारी के सी इंजी ने, आप देख सकते के सी इंजी ने लगाया है और बहुत अच्छी तरीके से काम हुआ प्रॉपर तरीके से। और रात के बजे 11:30 फिर भी हम सर्विस, जब तक कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड नहीं करते प्रॉपर तरीके से और शॉर्ट आउट नहीं करते तब तक हमारी टीम कहीं नहीं जाती। तो हम टीम के बेस पे, अपने बेस पे मैं खुद काम करने वाला हूँ, तब तक मैं सेटिस्फेक्शन नहीं होता। एक होता है ईगो वाला मैं, मोहन नॉट इज अलाउड, मैं वो वाला, मैं खुद सेटिस्फेक्शन करता हूँ, अपने बेस पे काम करता हूँ, अपने ट्रस्ट पे काम करके तब जाकर ऊपर वाली कृपा के क्रम से काम होने के बाद ही गाड़ी को देते हैं हैंडओवर। और बहुत 10 मिनट के अंदर इनका लोन फाइनल हो गया था, लोन के बेसिस पे हमारे यहाँ काम हुआ है। बाकी आपको हमारी वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।